नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश वीडियो में। एंड आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हिल होल्ड असिस्ट से रिलेटेड आप एक वीडियो लेकर आओ, तो आज आपको चैनल पे फुल इन डेप्थ वीडियो मिलने वाली है हिल होल्ड असिस्ट से रिलेटेड। आप देख सकते हैं तीन कैमरा हम लोगों ने लगा रखे, एक ये मेन कैमरा है, एक कैमरा वो है जो वहाँ पे शूट कर रहा है, और तीसरा कैमरा मेरे पैरों पे लगा हुआ है, जिससे आपको फुल आपको अंदाजा लग जाएगा। तो आपको फुल इन डेप्थ पता लगने वाला है हिल होल्ड असिस्ट के बारे में। एंड ये जो है वीडियो मोस्टली सारी जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं जिसमें भी हिल होल्ड असिस्ट आता है उसमें सब पे एप्लीकेबल होगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये वीडियो केवल आपको मारुति गाड़ी के लिए, आपको सबके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिल होल्ड असिस्ट जो है मारुति की गाड़ी में स्पेशली बात करें तो कैसे एक्टिवेट होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं जो गाड़ी खड़ी हुई है अभी हम लोग रैम्प पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाले, तो मैं आपको पूरा एक एक करके बताऊंगा कि कैसे हिल होल्ड एक्टिवेट करता है। तो गाड़ी फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एंड आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जैसे मैंने अभी गाड़ी फर्स्ट गियर में डाली एंड हल्का हल्का क्लच छोड़ रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे गाड़ी आगे बढ़ने लगी है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने अभी गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ाई एंड मैं इस पॉइंट पे आके, इस इंक्लाइन एंगल पे आके अगर मैं हिल होल्ड एक्टिवेट करना चाहूँ तो देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी जो है बार बार पीछे जा रही है, तो यानी कि इस इतने इंक्लाइन एंगल पे हिल होल्ड एक्टिवेट नहीं होगा। अब अगर बात करें कि कितने इंक्लाइन एंगल पे हिल होल्ड एक्टिवेट होगा, तो देख सकते हैं जैसे मैं गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ और आगे बढ़ा रहा हूँ, इस पॉइंट पे भी अगर मैं हिल होल्ड एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ देख सकते हैं गाड़ी पीछे चली जा रही है। तो ये लगभग जो एंगल अभी बैठ रहा है लगभग 30-35 डिग्री का बैठ रहा होगा जिसमें हिल होल्ड एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, एंड हम लोगों ने क्या करा है कि अब गाड़ी आप देख सकते हैं धीरे धीरे इंक्लाइन हो चुकी है। एंड अगर मैं यहाँ पे आगे देखो मैं क्लच और ब्रेक दबा दिया है, तो यहाँ भी जाके आप देख सकते हैं इंक्लाइन एंगल अभी भी नहीं बैठा है हिल होल एक्टिवेट करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, जो आपको उस कैमरा में दिख रहा होगा गाड़ी अब कितनी अंदर आ चुकी है। देख सकते हैं गाड़ी जो है इस इंक्लाइन एंगल पे, आपको उस वाले कैमरा में दिख रहा होगा कि इस इंक्लाइन एंगल पे आगे मैंने क्या करा, अभी क्लच और ब्रेक दोनों दबा रखे है। अब अगर आप देखोगे कि हिल होल्ड एक्टिवेट कैसे होता है, जैसे इस पोजीशन पे आके आप देख सकते हैं क्लच पूरा दबा हुआ है, ब्रेक दबा हुआ है एंड फर्स्ट गियर पे गाड़ी है। अब अगर मैं देखो मैं क्लच देखो पूरा दबा हुआ है एंड मैं अगर पैर ब्रेक से हटा देता हूँ, तो उसके बाद 3 सेकंड तक आपकी गाड़ी जो है वो वहां पर रुक जाएगी एंड आपको उतना पॉइंट मिल जाएगा कि आप इसको रेस दे के कर दो। आपको बस एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर आपने उस 3 सेकंड के बाद वो इंक्लाइन एंगल जो बना हुआ था वो अगर हट गया, तो उसके बाद वो हिल होल्ड फिर से एक्टिवेट नहीं होगा। मैं आपको दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। जैसे हमने देखो क्या करा, इंक्लाइन एंगल पे लेके गए पूरा, देखो लेके गए ब्रेक, देख सकते हैं मैंने अभी ब्रेक नहीं लगाया एंड इस इंक्लाइन एंगल पे लाके मैंने ब्रेक दबा दिया है। अब आप देखो कि इस पर जैसे मैंने ब्रेक से पैर हटाया गाड़ी वहीं रुकी रही, बट अगर मैंने देखो दोबारा यहाँ पे ब्रेक पे पैर लगा दिया तो गाड़ी देखो वहां पे फिर से रुक गई है, क्योंकि यहाँ पे इसको वो वाला इंक्लाइन एंगल मिल रहा था। अब अगर देखो मैं 3 सेकंड हुआ, 1, 2, 3, अब देखो मैंने यहाँ पे अगर ब्रेक लगा के दोबारा से रोकनी चाहिए तो यहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ हिल होल्ड एक्टिवेट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रीजन बीइंग कि यहाँ पे जो इंक्लाइन एंगल था वो नहीं बैठ रहा था। तो आपको इस मिक्स का मेक श्योर ध्यान रखना है कि हिल होल्ड एक्टिवेट करने के लिए आपको सर्टेन एंगल का ही करना होगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप उस इंक्लाइन एंगल पे हो जिसपे हिल होल्ड एक्टिवेट होता है, उस पर अगर आप मल्टीपल टाइम्स ब्रेक दबाओगे तो हिल होल्ड बार बार एक्टिवेट होता रहेगा। एक बार आपको दोबारा से डेमोन्स्ट्रेट करते हो कि ये वाला जो सिनेरियो है, तीसरा सिनेरियो जिसमें आप हिल होल्ड उस इंक्लाइन एंगल में बार बार कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। अब देखो मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ ऊपर, देख सकते हो आप मेरे पैरों के कैमरा से भी कि गाड़ी देखो इस सर्टेन एंगल पे गई 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 एंड मैंने यहाँ पे ले जाके ब्रेक और क्लच दोनों दबा दिए। अब देख सकते हैं गाड़ी रुकी 1, 2, 3 सेकंड के लिए। अब मैंने यहाँ पे 3 सेकंड के बाद फिर से ब्रेक दबा दिए, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे गाड़ी फिर 1, 2, 3, अब देखो मैंने फिर से ब्रेक दबाए, अब देखो गाड़ी यहाँ नहीं रुक रही है, रीजन बीइंग कि यहाँ पे वो इंक्लाइन एंगल जो है वो खत्म हो गया था। तो दोस्तों इसकी मदद से मैंने ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करी है कि कैसे हिल होल्ड एक्टिवेट होता है एंड कैसे आप यूज कर सकते हैं। अब इसका एक मेजर ड्रॉबैक ये है हिल होल्ड एक्टिवेट का कि अगर आप बहुत ज्यादा मूविंग ट्रैफिक में है जो आपका पहाड़ों पे लग जाता है, तो कभी कभी दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हिल होल्ड एक्टिवेट हो चुका है, मैं रेस दबा के ऊपर चले जाऊंगा, बट उसमें बंदा क्या एक गड़बड़ क्या कर देता है कि वो क्लच छोड़ना भूल जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो बाइटिंग पॉइंट है वो जो 3 सेकंड का आपको जो टाइम मिलता है वो बाइटिंग पॉइंट मिस कर जाते हैं और गाड़ी बार बार पीछे जाने लगती है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप ब्रेक छोड़ो तो आपको तुरंत साथ साथ क्लच भी छोड़ना है ताकि आपको बाइटिंग पॉइंट बन जाए और उसके साथ आप रेस दबा के भी ऊपर चले जाओ। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो जिसमें आपको बताना था हिल होल्ड एक्टिवेट के बारे में, एंड आई होप आपको ये हिल होल्ड एक्टिवेट वाली वीडियो हेल्पफुल होगी। यूट्यूब पे अभी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी एंड हमने फुल कोशिश करी है 3 कैमरा का यूज करके कि आपको
बेस्ट एक्सपीरियंस एंड बेस्ट व्यू देना चाहे। दोस्तों अगर आपको वीडियो जरा सी पसंद लगी, जरा सी भी हेल्पफुल लगी, तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल अबाउट कार्स चैनल को। टिल देन मी अर्शद साइनिंग ऑफ, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, ऑलवेज ड्राइव सेफ।